नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्डिगन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए 7 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। पहला फंदा सीधा बनाएं या उतार लें, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर दूसरी ओर करें और 2 फंदों को एक साथ लें। पहले दूसरे वाले में सिलाई डालें, फिर पहले वाले में, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लें। फिर ऊन अपनी ओर करें और अगला फंदा सीधा यानी जाली लेते हुए सीधा। फिर ऊन अपनी ओर करें और 2 फंदों को एक साथ ले कर सीधा बनाएं। पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में, दोनों को एक साथ लें और एक सीधा फंदा बना लें। फिर 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करें, 2 फंदों को एक साथ लें। पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालें, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएं। फिर उन अपनी ओर करें, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करें और 2 फंदों को एक साथ लें। पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालें और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लें। यही प्रक्रिया हमें पूरी सिलाई में दोहरानी है। और लास्ट फंदा सीधा। पीछे से पहला फंदा उल्टा बनेंगे या उतार लेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदा सीधा और 5 फंदा उल्टा। फिर 2 फंदा सीधा और 5 फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदा उल्टा। थर्ड रो और फ्रंट साइड, तीसरा लाइन और पांचवा लाइन दोनों पहले लाइन की तरह ही बनाया जाएगा। यानी पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली डालते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली डालते हुए 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेते हुए जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। 2 का एक कर लिया, फिर 2 फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पीछे से दूसरी लाइन की तरह ही चौथा लाइन और छठा लाइन भी बनेगा। यानी पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा। पांचवा लाइन भी पहले और तीसरे लाइन की तरह ही बना लिया जाएगा और छठा लाइन भी दूसरे और चौथे लाइन की तरह ही बना लिया जाएगा। छह लाइन बुन लिया गया है और अब सातवां लाइन और सामने से पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा,
फिर उन इधर ही रहेगा और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए, अगला फंदा सीधा। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उन दूसरी ओर ही रहेगा और दो फंदा उल्टा, यानी जाली देते हुए उल्टा। फिर उन अपनी ओर ही रखे रहेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले पहले वाले फंदे में फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक कर लिया। फिर अगला फंदा सीधा। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन दूसरी ओर ही रहेगा और दो फंदा उल्टा, यानी जाली देते हुए दो फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब उन अपनी ओर ही रहेगा, दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले पहले वाले फंदे में फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, दो का एक कर लिया। अब उन दूसरी ओर ही रहेगा और दो फंदे उल्टा बनाएंगे और लास्ट फंदा सीधा। पीछे से पहला फंदा उल्टा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर दो फंदा सीधा उन अपनी ओर करेंगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार और ये जाली वाली पांच, फिर दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, फिर पांच फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और आखिरी फंदा उल्टा। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, फिर उन अपनी ओर ही रहेगा और दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, उन दूसरी ओर ही रहेगा और दो फंदा उल्टा, फिर उन अपनी ओर ही रखे रहेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन दूसरी ओर ही रहेगा और दो फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, उन दूसरी ओर ही रहेगा, दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। पीछे से पहला फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा और पांच फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा और पांच फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ग्यारहवा लाइन और सामने से ग्यारहवा लाइन भी सातवें लाइन और नवे लाइन की तरह ही बनाया जाएगा। यानी दो फंदा उल्टा, फिर उन अपनी ओर रखे हुए दो फंदा एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, बीच वाला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन दूसरी ओर ही रखे रहेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, फिर उन अपनी ओर ही रखे रहेंगे, दो फंदा सीधा यानी जाली देते हुए दो फंदा सीधा बनाएंगे, बीच वाला फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन दूसरी ओर ही रखे रहेंगे, दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। पीछे से हर लाइन एक ही तरह बनेगा, यानी पहला फंदा उतार लेंगे और दो फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा।
तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, 12 लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 12 लाइनों को दोहराते रहने से डिज़ाइन बन जाएगा। पहले सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। पहले पार्ट में डिज़ाइन बीच में पड़ रहा है और दूसरे वाले हिस्से में डिज़ाइन बाहर पड़ रहा है। 5 फंदे और डिज़ाइन बाहर पड़ रहा है। पहले वाले फंदे में देखिए सेंटर लाइन के दोनों बगल में डिज़ाइन पड़ रहा है। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, कार्डिगन में बनाइए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, इसे आप अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।